मानो या ना मानो ये तो जादू है, प्यारा पार्सल है, देखिए इस पर क्या लिखा हो। हैप्पी रक्षाबंधन। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। माई सेल्फ धर्मेंद्र, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सिंह धर्मेंद्र। और अभी टाइम हो रहा है 8:25 इवनिंग। तो गुड इवनिंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। ये जो जादू है ना, वो इसकी वजह से। अब इस डिब्बी में क्या है, इस डिब्बी में है चमत्कार। अब एक्चुअली इस डिब्बी पर जो लिखा हुआ है ना, आप इस पर मत जाना, क्योंकि इस डिब्बी के अंदर कुछ और है। और मैं आपको बता दूं, ये भरतपुर में हमारे एक शॉपकीपर हैं, जिनका बर्तन वगैरह सेल का काम है, तो उनके दादा परदादा वगैरह ये करते थे। ये एक मल्लम देते हैं भरतपुर में, सीढ़ की मड़ एक जगह है भरतपुर में गंगा मंदिर के पास, तो वो देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर ये दिखा देना आप इसको कि जले हुआ निशान है, तो मेरी गारंटी है कुछ नहीं पता चलेगा आपके जलाए या नहीं जलाए। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर दैट उस भाई साहब के लिए कि आपने। और वास्तव में मैं दो दिन से लगा रहा हूं, पता चल रहा है इसका कि हाँ वास्तव में सही हो रहा है। दो चीज आज सरप्राइज है मेरे। तो पहला जो गिफ्ट है मेरा, ये पार्सल है, ये मतलब इतना प्यारा पार्सल है, और आप देखिए इस पर क्या लिखा हुआ है, हैप्पी रक्षा बंधन। जी हाँ, ये मेरी सिस्टर है जो जयपुर में रहती है, ममता, उसने भेजा है। तो पहले तो इसको खोलेंगे और दिखाएंगे कि मेरी दीदी ने मेरे को कैसी कैसी राखियाँ भेजी हैं। उसके बाद एक दूसरा पार्सल है, उसकी बात में करेंगे। पहले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके की राखी मेरी दीदी ने मेरे लिए भेजी है रक्षाबंधन पे। थैंक यू जीजी भाई फॉर दिस इम्पोर्टेंट गिफ्ट, हैप्पी रक्षाबंधन, सेम टू यू। तो अब इसको ओपन करते हैं और आपकी राखियों को मैं देखूंगा। काफी सारी भेजी है दीदी, ये धागे भी भेजे, उसको पता है मैं धागे पहनता हूँ। और एक राखी ये है, और एक राखी ये है, और दिस इज स्पेशल राखी फॉर माई अनु, मेरे छोटे बेटे के लिए स्पेशल राखी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ममता दीदी, थैंक यू। आपको भी रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला गिफ्ट तो हो गया हमारा दीदी की तरफ से, और ये है हमारा सेकंड पार्सल, और ये आया है अमेजन से, और ये है हमारी लाड़ू रॉयल इनफील्ड हिमालय के लिए। अब इस पार्सल की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और फिर दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या मंगाया है। आपको याद होगा जब हम भानगढ़ से अलवर गए थे, तो हमको रास्ते में दो तीन जगह पानी पीना पड़ा, और उस जगह पानी डुप्लीकेट मिला हमको, लेकिन मजबूरी थी, प्यास लग रही थी, इसलिए पीना पड़ा। तो उसी समय मैंने आपको ध्यान हो तो वीडियो में कहा था कि हम अब की बार दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम एक अपनी लाड़ू के लिए बोतल होल्डर खरीदेंगे, और ये बोतल होल्डर अपनी लाड़ू पर इसको कसेंगे, और बोतल अपनी संग रखा करेंगे, हाँ भी सही पानी की बोतल मिला करेगी, उसको रिफिल किया करेंगे। ये प्रोस्पेक्ट कंपनी के हैं, ये माउंट है जिस पर बोतल कसेगी, और ये है बोतल होल्डर, और ये इस पर इस तरीके से कसेगा, ये यह बोतल रहेगी, और इससे ज्यादा मोटी बोतल होती नहीं है। और मैं इसको अब इस पर फिट करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से फिट होता है, और ये बड़ा इजीली फिट हो जाती है, देख लीजिए, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, इस पर फिट हो गया। ये थर्मस भी फिट हो जाता है, जबकि बोतल इतनी मोटी नहीं होती है, तो काफी अच्छी चीज है। बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है इसकी, और 100%। अब चलिए चलते हैं और अपनी लाड़ू पर इसको फिट करता हूँ, और फिर दिखाता हूँ आपको ये कहाँ फिट होती है और कैसे फिट होती है। चलिए तो सीधा चलते हैं फिर बाइक पे। अब हम आ गए हैं अपनी लाड़ू के पास, और हमारी लाड़ू अभी गैरेज में खड़ी हुई है। अब इस पर इस होल्डर को माउंट करते हैं, और फिर दिखाता हूँ आपको कि इस होल्डर से क्या हमको बेनिफिट मिलने वाला है, और किस तरीके से ये इस पे कसेगा। वैसे तो इसके संग ये आती है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी हथियार है, तो हम इससे इसको कसेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके एलन की साथ आती है। चलिए तो अब इसको कसना स्टार्ट करते हैं। ये कसा हुआ आता है, लेकिन अब पहले इसको ढीला करके खोल देंगे अपन। अब ये हमने खोल लिया है, और इसको अब हम यहाँ माउंट करते हैं। अब जगह देखते हैं अपन कौन सी सूटेबल रहेगी, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कस देंगे। अच्छा, इसमें एक बात और है, इन्होंने अगर आपका ये जो पाइप है, ये पाइप अगर और पतला है, तो ये एक्स्ट्रा दिए हुए इन्होंने रबर, आप इनके बीच में दो रबर और लगा के इसको और पतला कर सकते हैं। तो अपन के पास इस पाइप के हिसाब से रबर इसमें लगी हुई है ऑलरेडी, तो इस रबर से इसको इस तरीके से कर देंगे। हमने यहाँ पर कस दिया है, इस माउंट को सिर्फ यहाँ कस देंगे।
तो ये पहले बेसिक होल्डर है, ये कस दिया है, इसके ऊपर फिर बोतल वाला होल्डर लगा दिया है। अब इस पर बोतल होल्डर जो है उसको लगा लेते हैं, ये यहाँ पर लगेगा। तो चलिए इसको लगा के फिर दिखाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पसीने पसीने हो गया हूँ मैं, और गैरेज में हूँ इसलिए, और गैरेज में फैन है नहीं, लेकिन वीडियो बनाना है, आपको दिखाना है एक्चुअली हम क्या चीज़ अपनी बाइक में लगा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो ये बोतल होल्डर लगा दिया है मैंने, क्वालिटी बहुत शानदार है इसकी, फर्स्ट क्लास अच्छी वाली प्लास्टिक है। उस पर बोतल लगा के दिखाता हूँ मैं, शानदार लगेगी और सही है, परफेक्ट जगह लग रही है। अब मैं इसमें एक आपको चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जेरी कैन लगती है मेरे, रेल लद्दाख की राइड करते हैं तो कई जगह पेट्रोल वेट्रोल की समस्या रहती है, तो पेट्रोल कैरी करके ले जाना होता है। तो जेरी कैन जब यहाँ लगाऊंगा ना मैं, तो इस बोतल होल्डर को यहाँ से हटा दूंगा लेह लद्दाख राइड से पहले, और इसको कहीं और लगाएंगे, फिलहाल इसको यहीं लगाएंगे। जो जितनी भी है छोटी मोटी राइड होगी जहाँ पर हमें जेरी कैन नहीं ले जानी है, तो इसको यहीं लगे रहने देंगे। तो ये बोतल मैंने मंगा ली है, और ये देखिए बोतल एकदम फर्स्ट क्लास, शानदार, आराम से धन निकलेगी, निकलने का कोई चांस नहीं। तो ये थी दो सरप्राइज़ आज की, एक तो वाटर होल्डर जो मैंने अपनी लाड़ों पर लगा दिया है, और दूसरा राखी जो हमारी दीदी ने हमारे लिए भेजी है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, पसीने पसीने हो जाते हैं हम, क्योंकि इस माइक में आवाज़ आती है, इस वजह से फ़ैन एसी वगैरह सब बंद रखना पड़ता है, चला लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कूल करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें पूरी देखें, शेयर करें, लाइक करें, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपको अच्छा लगता हो वो कमेंट्स में बताएं, जिससे मैं उनको दूर कर सकूं अगर कुछ कमियां हैं। तो चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।